नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं, तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो हिमाचल के डिपो में सरसों का तेल 17 से 26 रुपए सस्ता, दाल चना व माह 3 से 4 रुपए महंगी। हिमाचल प्रदेश के लगभग 19 लाख राशन कार्ड धारकों को अब सरसों तेल 17 से 26 रुपए सस्ता मिलेगा, जबकि महा साबुत 4 रुपए व दाल चना 3 रुपए महंगी मिलेगी। राशन डिपो में इस माह मूंग 3 रुपए व मलका 1 रुपए सस्ती मिलेगी। नए स्टॉक की राशन डिपो में सप्लाई आरंभ हो गई है, 2 माह का तेल सस्ते दाम पर मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गरीब परिवारों के साथ APL को सरसों तेल 17 रुपए व आयकर दाताओं को 26 रुपए सस्ता मिलेगा। आटे के कोटे में 1 किलो की कटौती कर दी गई है। राशन कार्ड धारकों में गरीब और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत आने वाले 6.5 लाख परिवारों को महा साबुत 55 रुपए प्रति किलो के स्थान पर 59 रुपए मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग का कहना है कि राशन डिपो में मिलने वाले तेल के मूल्य में 17 से 26 रुपए की कमी की गई है। दाल के मूल्य में कुछ अंतर आया है। चावल और आटे के कोटा में नियमों के आधार पर बदलाव होता रहता है। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को सरसों का तेल जो है 17 से 26 रुपए तक सस्ता मिलेगा। वहीं दाल चना वो महा के जो रेट हैं ये 3 से 4 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।